इस वाली वीडियो में हम किसी भी एक एवरेज स्मार्टफोन को एक फुल ब्लोन गेमिंग कंसोल में कन्वर्ट कर देंगे। हमने ऐसे काफी सारे कंसोल ट्राई करके, पुराने वाले, नए वाले, बड़े वाले, और ऐसे काफी सारे मोबाइल्स भी जो एक्चुअल गेमिंग के लिए बनाए गए। वैसे अगर कोई भी स्मार्टफोन खोलोगे तो एस्पोर्ट चल जाती है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, VR वाली गेम्स है, बट एक्चुअल मोबाइल पे कंसोल की गेमें भी चलाई जा सकती है। मुझे पता है दोस्तों, इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बट हमने साइबर पंक मोबाइल पे चलाई हुई GTA 5 मोबाइल पे चलाई। इस कार्यक्रम के लिए हम कुछ ये पड़ेगा, एक स्मार्टफोन, एक कोई भी देसी कंट्रोल है 200 रुपए वाला भी चल जाएगा, और एक ये USB वाला अडैप्टर जिसमें USB और काफी सारे और होते हैं, और चश्मा, क्योंकि विजन हमेशा क्लियर रहना चाहिए, और एक TV। सारी सामग्री होगी है रेडी। ये वाला कंट्रोलर इस वाले स्मार्टफोन में लगाने के लिए ये USB लगानी पड़ेगी, और इस USB को लगाने के लिए इसके थ्रू लगाना पड़ेगा। फटाफट लगा दो भाई, चल नहीं रहा, रुको, मोटर कनेक्ट करके देखेंगे। अभी टीवी चलना चाहिए था, क्या कर दिया क्या गलती हो गई। ओ माय गॉड दोस्तों, प्रॉब्लम होगी है, बट प्रॉब्लम का सलूशन भी शायद हमको पता चल गया। कुछ बजट स्मार्टफोन्स में USB OTG काम नहीं करता, इसकी वजह से आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे, बट ज्यादातर फोन्स में चल जाएगा। अगर आपके पास एक बिल्कुल एक बजट स्मार्टफोन है जिसमें OTG नहीं है, तब भी आप डायरेक्टली मोबाइल पे खेल सकते हो, TV और कंट्रोलर से कनेक्ट नहीं होगा, बट हम सब कुछ दिखा देंगे। कंट्रोलर हमने चला दिया दोस्तों, ये देखो, खोलने के लिए कोई बटन दबाना पड़ेगा। मैं फटाफट बताता हूँ करने के वाले। अपने PSP, अगर आप लोगों को याद हो, एक PlayStation पोर्टेबल एक आया था जिसमें हाथ में पकड़ के आप गेम खेल पाते थे, हम उसकी गेम्स लेंगे। काफी सारी थी, NFS मोस्ट वांटेड थी, Vice City थी, Dragon Ball थी, और वो सारी गेम्स हम इस वाले स्मार्टफोन के अंदर चला देंगे। आप पूछो कैसे, बता देते हैं। सबसे पहली चीज, प्ले स्टोर पे जाके ये एक एमुलेटर है, PPSSPP, मतलब PSP वाला एमुलेटर है। जब ये इंस्टॉल हो जाए, आप इसको खोलोगे तो ये ऐसा सा दिखेगा। पीछे बैकग्राउंड में आपको PSP के कंट्रोलर दिखेंगे। आप गेम भी डाउनलोड करनी पड़ेगी भाई। काफी सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, जैसे freeroms.com, इस पे अगर आप जाओगे और आप PSP वाला एमुलेटर सेलेक्ट करोगे, उसमें सबसे पॉपुलर गेम जो भी आप देखोगे वो सारी आप डाउनलोड कर सकते हो। गॉड ऑफ वॉर है, ड्रैगन बॉल जी है, नारुतो, ड्रैगन बॉल जी दूसरी, FIFA 14, तो उसके बाद ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, वाइस सिटी स्टोरीज, मोस्ट वांटेड, ये सारी गेम्स आप अपने मोबाइल पे एकदम स्मूथली बड़े आराम से चला पाओगे, और हमने सेटअप भी कर रखा है। इसमें जहां पे भी आपने डाउनलोड करा है उस zip फाइल्स को, वहां पे अगर आप जाओगे और उस zip फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी उसके बाद वो चल पाएगी। इसमें फटाफट ऑन करते हैं और एक गेम में चालू करके देखते, टेकन खेल के देखते भाई, टेकन वो चल गई, आवाज तेज कर लो भाई, चलाते बॉब की पिटाई करेंगे भाई। भाई 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 देखो, अरे भाई तू हमसे कहां जीत पाओगे बेटा। वाह मजा ही चखा दिया भाई, मेरे को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि टेकन एक ऐसी गेम है जो बचपन में इतनी ज्यादा खेलते थे, मोबाइल पे खेलना काफी अलग सा लग रहा है, बट अब आ गया थोड़ा बड़ा काम करने का। सबसे पहले कंट्रोलर से चला के देखते हैं, होपफुली चल जाना चाहिए भाई। चल रहा चल रहा, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये देखो कर्सर मूव कर रहा हूं टेकन ही, इसमें कंट्रोलर से एक बार चला के देखते हैं। ओ भाई धोबी पछाड़, जैसा आप देख सकते हो, जैसे मैं वो वाला बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला ना जूम हो जा रहा है। आपने काफी सारे लोगों को शायद ना पता हो, बट आप टीवी को या फिर किसी भी मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ, अगर उसमें सपोर्ट है। इस सैमसंग वाले को हमने ट्राई कर रखा है। सबसे पहले बैक साइड में जॉक HDMI लगानी पड़ेगी, फिर ये जो अडाप्टर है, इस अडाप्टर में हमने HDMI भी लगाई हुई है, और हमने कंट्रोलर भी लगाया है। इस कंट्रोलर की जगह अगर आप चाहो तो माउस और कीबोर्ड भी लगा सकते हो। जैसे ये मैं माउस उठा लाया, इस वाले माउस को कनेक्ट करो, और इसमें देखोगे आप रेड लाइट जल रही है, और इस मोबाइल में भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक व्हाइट कलर का कर्सर दिख जाएगा। मैं किसी भी चीज पे क्लिक करके चीजें खोल सकता हूँ और इधर उधर मूव कर सकता हूँ। माउस और कीबोर्ड भी मस्त चलता है, बट कंट्रोलर में एक अलग ही फील आती है, एकदम गेमिंग कंसोल वाली फील आ जाती है। हमारा मोबाइल इससे भाई काफी अच्छे से कनेक्ट हो गया है। सैमसंग वाले में हम फोन को एज अ पॉइंटर यूज कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा आसान करता है। गेम चल गई है हमारी, कंट्रोलर भी चल रहा है, आवाज बढ़ाओ, फीलिंग आ रही है भाई, मजा तो आ रहा है। अब चलाएंगे भाई मोस्ट वांटेड, रेस का टाइम आ गया है। ओ ओ ओ ठोकना नहीं है। आई कितना जीव लग रहा है, पुरानी यादें ताजा होगी भाई। अरे पुलिस पड़ गई पीछे यार, अरे हट जाओ भाई, हट जाओ।
कूलर बड़ा तंग कर रही है यार, ये बड़ी दिक्कत है। ओहो बस्टर्ड हो गए भाई। जो ग्राफिक्स हैं वो ऑफकोर्स एक 4K ग्राफिक्स पे नहीं चल रहा, ये 720p फ्रेम रेट पे चल रहा है, बट चल एकदम स्मूथ रहा था और ग्राफिक्स थोड़े से पिक्सेलेटेड आपको इसलिए फील होंगे क्योंकि पीएसपी भाई एक छोटा सा कंसोल था। ये सेम गेम आप एक बड़े से टीवी के ऊपर खेल रहे हो बट खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बिल्कुल भी लैग नहीं है। अब तो लैग हो ही गया क्योंकि इसकी बैटरी खत्म होगी। एक्साइटमेंट होता बढ़ती जा रही है, दोबारा मैं गेम खेल रहा हूँ बट तब भी भाई अच्छा सा। ये वाला हमारा एमुलेट, इसको चला देंगे। ओह भाई फिर से चला दिया भाई, इस बार हम खेलेंगे। काफी सारे गेम्स है भाई, स्पाइडरमैन है, वो गॉड ऑफ वॉर भाई, गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हैं। ओ भाई ग्राफिक्स वाफिक्स भी भाई काफी अच्छा आ रहे हैं भाई। ओहो एक और धोबी पछवाड़ भाई, नेक्स्ट कौन आ गया, राजा महाराजा आ रहे हैं भाई। वाह क्या गेमिंग हो रही है, बिल्कुल मजाक नहीं। जो ग्राफिक्स है वो हल्की सी कम बोल सकते हैं बट जो गेम प्ले है वो एकदम ही स्मूथ है। और एक काफी और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन है तो आप आवाज डायरेक्ट टीवी से भी लगा सकते हो, पूरी कंसोल वाली फील आ रही है भाई। कहाँ जाए भाई कहाँ जाए, अच्छा इसको काटना है यार, मार काट मचानी भाई। वो दबा कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला लग रहा है। ओ मच्छी फ्राई बना दिया भाई, भाई बहुत खेल लिया, अब दूसरी गेम खेलते हैं। GTA खेलते भाई GTA। ओ ये तो मुझे पता है। ओ ओ चल रहे भाई। ओ ड्राइविंग अच्छी नहीं कर पाता भाई। ओ ओ यार गेट ही नहीं खोला यार, हमारी क्या गलती है। धूम मचाने यार, ये सही हमारे साथ मजाक हो रहा है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा। रुको गाड़ी रोको, खड़ो अंकल निकल लो, टाइम आ गया आपका। गाड़ी चलाएंगे। ओहो पुलिस पड़ी है पीछे, साइड हो जाओ। अरे अंकल लिफ्ट दे दो। ए अंकल पंगा नहीं, इसका भाई है, पैसा लपेट दे भाई आंटी। अरे पढ़ाई कर रहे हैं बस, कॉलेज के लड़के हैं। ओहो अरे मिशन फेल हो गया यार, मरने पे मिशन फेल होता है खाली। और कौन सी गेम्स है भाई हमारे पास, देखें एक बार। ड्रैगन बॉल जी, ये वाली गेम अपने टाइम पे भाई कितना ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा खेलता था, PS2 पे खेलते थे वाली गेम भाई। वो भाई फाइटिंग हो रही है, गोकू वर्सेस खड़े बाल वाला गोकू, अच्छा गोहान है सॉरी। अरे पैसे कैसे पट जाएंगे भाई, पावर बढ़ा लेते हैं भाई। अच्छा मैं पिट रहा हूँ क्या, ओहो जीत गया भाई जीत गया भाई, अपग्रेड तो करके छोड़ेंगे, स्टार्ट करो भाई। ओए ए छुटकू भाई, मैक्स हो गया, मैक्स हो गया पावर। ओ भाई मार दिया काम है, हाँ हो गया भाई। स्पाइडरमैन खेल के देखते हैं, स्पाइडरमैन इसमें देखो सारे बटन एक साथ दबा रहे भाई, यही असली गेमर की निशानी होती है। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल, अरे चैन भी चुरा रहे भाई, हमको नीचे इंस्ट्रक्शन, हम पिटाई में विश्वास रखते हैं। ओ जाला फेंका। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, ग्राफिक्स जो है और जो गेम प्ले है भाई एकदम स्मूथ है, जैसे लेफ्ट राइट भाई कितनी तेजी से हो रहा है, और भाई गेम पूरी प्लेएबल है, और ये सारी गेम हमारे मोबाइल से चल रही है। अगर मैं मोबाइल अभी एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट कर दूं सब खत्म। बस एक चीज है कि भाई बैटरी काफी ज्यादा ले लेता है, बट मुझे ये वाली चीज करने में बहुत ही ज्यादा मजा आया भाई। एक मोबाइल को एक पूरा गेमिंग कंसोल में हमने कन्वर्ट कर दिया था, लिटरली कल टीवी से कनेक्ट कर रहा था, आप किसी मॉनिटर से भी कर सकते हो। इससे रियलाइज होता है कि भाई अब जो स्मार्टफोन आ रहे हैं वो थोड़े साल पहले के जो गेमिंग कंसोल थे उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, और कितनी तगड़ी तगड़ी गेम भाई हम एकदम स्मूथली खेल पा रहे हैं। मुझे काफी ज्यादा मजा आया इस वाले एक्सपीरियंस में, होपफुली आपको भी अगर आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और दाढ़ी का भाई अब उग जाएगी धीरे धीरे, कभी कभार गलतियां हो जाती थोड़ी सी। चलो बाय बाय।